दोस्तों सोमवार का दिन जैसा हम सभी जानते हैं भगवान भोलेनाथ का दिन होता है और इस दिन हम भगवान शिव की अगर आराधना करते हैं, उनसे किसी भी चीज की अगर हम मनोकामना करते हैं और उनके लिए विशेष उपाय करते हैं तो वो इच्छाएं वो मनोकामना भगवान भोलेनाथ की कृपा से जरूर पूर्ण होती है। दोस्तों सोमवार के कुछ विशेष उपाय हैं। सोमवार के दिन आप सबसे पहले घर के पूजा स्थान पर जहां पर भी आपने भगवान शिव जी की प्रतिमा रखी है मूर्ति रखी है उनके सामने दो लौंग मतलब फूल वाला लौंग होता है जिसके ऊपर जो उसकी फूल होता है वो लगा हुआ होता है वैसे लौंग आपको लेने हैं और उसके साथ दो कपूर के टुकड़े। इसके बाद ये जो आपने लौंग और कपूर लिया भगवान की मूर्ति के सामने आपको रख देनी है। इसके बाद आप क्या करेंगे आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करेंगे। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना है दोस्तों तो उनके लिए इस मंत्र का भी अगर आप जप कर ले सोमवार के दिन और जलाभिषेक करें भगवान शिव की वो अति प्रसन्न होते हैं। जीवन में किसी तरह की समस्याएं दिक्कतें हैं भगवान भोलेनाथ वो अपने भक्तों के लिए खत्म कर देते हैं। तो आपको क्या करना है ओम नमः शिवाय मंत्र का 21 बार जप कर लेना है। जप करने के पश्चात आप उस लौंग को और दो जो कपूर आपने रखा है उसको अपनी मुट्ठी में बंद कर ले। उसके बाद आपके जीवन में जो भी समस्या है जो भी परेशानियां चल रही है उसको बोल लें भगवान से प्रार्थना कर लें कि जो समस्याएं आपके जीवन में है भगवान वो खत्म कर दे और जो आपकी मनोकामनाएं हैं जो भी इच्छा आपके मन में है भगवान से वो भी प्रार्थना करें कि हे भगवान मेरी ये इच्छा है मेरी इस इच्छा को आप जरूर पूर्ण करें। इसके बाद आप घर की पूजा समाप्त करके उस लौंग और कपूर को लेकर किसी शिव मंदिर जाएं। जो भी पास में नजदीक में आपके शिव मंदिर है वहां आप उस लौंग और कपूर को लेकर जाएं। उसके बाद शिवलिंग पर लोग वहां पर पूजा कर रहे होंगे पंडित जी ने पूजा की होगी तो जो जल होता है उस जल से इस लौंग और कपूर को जरूर स्पर्श करा दें। जहां पे अर्घ्य होता है आपने देखा होगा जहां पर आप अगर जलाभिषेक करते हैं भगवान शिव का और अर्घ्य से वो जल नीचे गिर रहा हो तो वहां पर आप थोड़ा उसे स्पर्श कराएं तो जल जो है जरूर उसमें थोड़ा लगेगा। इसके बाद आपको उन दोनों चीजों को लौंग और कपूर को जला देना है मंदिर में ही। ऐसा करने से दोस्तों भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसती है। जो भी जीवन में समस्याएं हैं जिनको भी खत्म करने की आपने इच्छा रखी है जो भी मनोकामनाएं आपने पूर्ति के लिए भगवान से आग्रह किया है भगवान भोलेनाथ की कृपा से वो जरूर पूर्ण होती है। बहुत छोटा सा उपाय है और बहुत सरल उपाय है आराम से आप कर सकते हैं लेकिन बहुत ही कारगर उपाय है आप करके देखें। अगर आप ऐसा लगातार 5 सोमवार के दिन करते हैं आप देखेंगे आपके जीवन की जो परेशानियां बाधाएं हैं भोलेनाथ की कृपा से वो जरूर खत्म हो जाएंगी। ओम नमः शिवाय।